हेलो फैंस, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं शेड्यूल पावर ऑन ऑफ के बारे में। जैसे कि हम शेड्यूल पावर ऑन ऑफ सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फैंस, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फैन जैसे कि आप देख सकते हैं, मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है। तो क्लिक कर लेंगे फैन सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है और यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है सिस्टम सेटिंग, तो इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करेंगे, शेड्यूल पावर ऑन ऑफ पर जाएंगे। यहाँ पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं, ऑटो पावर ऑफ। ऑटो पावर ऑफ का मतलब होता है जैसे कि आप जिस टाइम पर सोते हैं उस टाइम पर आपको यहाँ पर शेड्यूल करना होता है। जैसे कि मैं यहाँ पर 10 बजे सोता हूँ, तो मैंने यहाँ पर 10 बजे का शेड्यूल लगा रखा है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑटो पावर ऑन। ऑटो पावर ऑन का मतलब होता है आपका ये ऑन होने का टाइम होता है। यहाँ पर मैंने 7 o'clock का रखा है, इस तरीके से आपका ये ऑन हो जाएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आपका ये जो ऑटो पावर ऑफ है, ऑटो पावर ऑफ में क्या होता है, जैसे कि आप जिस टाइम पे सोते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर 10 बजे सोता हूँ, तो मैं यहाँ पर 10 बजे का शेड्यूल कर रखा है मैंने। यहाँ पर 10 बजे मेरा फ़ोन भी ऑफ हो जाता है और इसी तरीके से 7 बजे ऑन हो जाएगा। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फोन से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।